तो व्हाट्सअप गाइज एंड स्वागत है और एक वीडियो पे। एंड ये मेरा डे 8 है। जैसे मैं ये देखो कि सुब्रमण्यम में रुका था ऑल नाइट, वैसे खाने वगैरह का अभी इधर सुविधा था सो खाना खा के इधर ही सो गए थे। एंड अभी हम जा रहे हैं मैसूर की तरफ एंड देखते हैं मैसूर को आज पहुँच पाएंगे क्या। आई थिंक पहुँच जाएंगे ऐसे तो। सो इधर से जर्नी स्टार्ट करते हैं डे 8 को। एंड डे 7 का ब्लॉग आज मतलब कल ही 7 बजे आ चुका होगा। सो गाइस जैसे मेरे को कल इधर ड्रॉप किया था एंड मेरे को जाना है इस तरफ। जैसे अभी देखते हैं लगभग लिफ्ट मिल गई तो अच्छी बात है। सो फटाफट से चलते हैं यार। सो गाइस मैं अभी हूँ सूर्य में, जैसे मडिकेर की तरफ अभी ये रोड जाता है। एंड मेरे को जाना है मैसूर। आई थिंक मेरे को सुब्रमण्य से मतलब एक 15 किलोमीटर इतना ही चला था एंड एक भैया मिल गए थे तो मेरे को लिफ्ट दिया। एंड इधर मतलब चार्जिंग वगैरह के लिए भी हो गया सभी। एंड क्योंकि तब मेरे पास चार्जिंग वगैरह नहीं था तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, जैसे मतलब घना जंगल था तो मैं उधर से आया। तो अभी चलते हैं हमारे मैसूर की तरफ फटाफट से एंड आई थिंक कि मेरे को लिफ्ट मिल जाए जल्दी से जल्दी। तो चलते हैं देखो। सो गाइस जैसे मेरे को 2-3 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई थी एंड एक भैया ने मेरे को इधर आके मतलब बाइक से मेरे को पहले ही देख के एंड इधर तक आके मेरे को जूस वगैरह दे दिया। एंड अभी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस जैसे मैं अभी बैठ चुका हूँ ये देखो गाड़ी पे एंड मेरे को लिफ्ट भैया ने दिया, थैंक यू सो मच भैया। एंड मैं अभी जा रहा हूँ मडिकेर की तरफ, जैसे मतलब भैया भी उधर ही जा रहे हैं तो मुझे उधर छोड़ देंगे एंड मैं उधर से निकल जाऊँगा मैसूर की तरफ। तो आज आई थिंक जल्दी जल्दी पहुंच जाऊंगा दोपहर के पहले ही। दोपहर होने से पहले पहुंच गया तो अच्छी बात है। तो चलते हैं हमारे मैसूर की तरफ फटाफट से। सो गाइस जैसे मैं अभी मेरे को रेस्टोरेंट में एंड जिन्होंने मेरे को लिफ्ट दिया था उन्होंने 100 रुपीज़ दे के इधर खाना वगैरह खाने के लिए बोल दिया। तो मैं अभी खाना खाने के लिए आया हूँ। जैसे अभी आज मतलब ऐसे डेली थोड़ा नॉर्मली खाना खाता था तो आज थोड़ा बहुत चपाती वगैरह खा के बस मतलब अच्छा खाना खाएंगे आज। एंड आप देखो रेस्टोरेंट इस तरफ भी, जैसे अभी खाना वगैरह खा के मैं निकलूँगा मैसूर की तरफ। तो इधर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है एंड देखते हैं कैसे होता है। एंड ये देखो भैया वगैरह खाना वगैरह ला दिया एंड इधर से फटाफट से निकलते हैं खाना वगैरह खा के। सो गाइस खाना वगैरह हो गया, थैंक यू। और इन्होंने मतलब खाना वगैरह के लिए, इनका ही होटल है। जैसे अभी इधर से चलते हैं बाहर एंड लिफ्ट मांग के फिर से हमारी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सो फटाफट से इस तरफ है मैसूर, तो चलो फटाफट से चलते हैं फिर से। आई एम रेडी टू गो लिफ्ट भाई, थोड़ा बहुत चल के जाते हैं क्योंकि अभी अभी खाना खाया है सो पचना भी चाहिए ना। तो आई थिंक कि 1-2 किलोमीटर चल लेता हूँ, उसके बाद लिफ्ट जैसे ही मिलती है तो चलेंगे फिर से मैसूर की तरफ। तो ऐसे ही रास्ता जाता है मैसूर के लिए। एंड मेरे को इधर तक और एक ये देखो इधर लिखा है गोपी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक, भाई मेरा ही दुकान है। देखो इधर भी है, पहली टाइम देखा मैंने ऐसे। तो अभी चलते हैं हमारे चलते हुए जा रहे हैं एंड दुकान वगैरह है सो फटाफट से चलो। सो गाइज मेरे को 10 किलोमीटर की लिफ्ट मिली थी एंड इधर मतलब पीछे वगैरह एक भैया थे वो खाना वगैरह के लिए पूछ रहे थे, बट अभी मैंने जस्ट खाया है सो मैंने मना कर दिया। एंड अभी आगे कंटिन्यू करते हैं फिर से लिफ्ट मांग के। एंड इधर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे मैसूर है, तो फटाफट से लगभग 4 बजे के नियर बाय पहुँच गए तो अच्छी बात है। सो निकलते हैं इधर से एंड लिफ्ट मांगते हैं। अरे यार इधर अभी थोड़े बहुत बाइक बहुत कम है वैसे भी, बट मेन रोड यही है। आई थिंक जल्दी से जल्दी लिफ्ट मिल जाए तो अच्छी बात है। तो फटाफट से देखते हैं यार चलो। सो गाइज मैं अभी मतलब देखो गाड़ी में मेरे को लिफ्ट मिल गई थी इधर से 40 किलोमीटर की। एंड मेरे को अभी जाना है हुलोली करके एक गांव है जिसे मेरा फ्रेंड है, क्योंकि आज मैं मतलब मैसूर पैलेस अभी मैं देख नहीं सकता क्योंकि अभी मैं चलते हुए जाऊंगा तो मेरे पैर में थोड़ा बहुत छाले पड़ गए हैं। तो मैं आज स्टे करने वाला हूँ हमारे दोस्त के घर जिसका नाम अभिषेक है, अभिषेक गवली करके।
एंड मैं उधर ही जाने वाला हूँ। एंड भैया ने मेरे को लिफ्ट दिया, जैसे मतलब उधर एक भैया थे उन्होंने इनको बोल के लिफ्ट दिया। एंड अभी मैं इधर से 1 किलोमीटर की दूरी पे उतरने वाला हूँ, उसके बाद उनके गांव जाएंगे एंड उधर स्टे करेंगे। तो आगे की जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, चलो फटाफट से। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी मैसूर शहर में एंड मेरे को जाना है इस तरफ, जैसे इधर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड फटाफट से चलते हैं हमारे दोस्त के घर एंड कल वगैरह देखते हैं, पैलेस वगैरह घूमेंगे एंड इधर जो जो एक्सप्लोर करना है वो करेंगे। भाई रुको, इस साइड जाना है मेरे को। तो इधर से 30-35 किलोमीटर इतना ही दूरी पे हुलोली करके एक गांव है एंड जो पुलिस चेक पोस्ट है ना, मतलब अभी इलेक्शन May 10 को है, इलेक्शन है तो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस चेक पोस्ट चेक कर रहे हैं ऐसे, मतलब गाड़ी वगैरह के लिए, गाड़ी वगैरह। एंड अभी हम इस तरफ चलते हैं, ये देखो। जैसे गाइस मेरे को 5-6 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई एंड फिर से हमारी चल पड़ी भारत यात्रा हमारे दोस्त के घर। एंड मुझे इधर से लगभग एक 20 से 25 किलोमीटर है। सो पूरा हाईवे ही है, लिफ्ट मिल जाए तो अच्छी बात है, देखते हैं यार लिफ्ट मिल गई तो। जैसे मैं उस साइड जा रहा था एंड मेरे को एक भैया मिले रिक्शा वाले, जो कि बोले मतलब आप बस से चले जाओ, इधर से थोड़ा बहुत लिफ्ट मिलना मुश्किल है। तो मैं अभी बस में ट्रेवल कर रहा हूँ, उन्होंने भैया ने पैसे दिया सभी के लिए। एंड अभी चलते हैं हमारे मतलब सिटी बस स्टैंड है इधर, बस स्टैंड को जाके उधर ही करके एक गाँव है ना, तो उधर ही जाएंगे। इधर से लगभग 5-6 किलोमीटर होगा सिटी बस स्टैंड आई थिंक, तो फटाफट से चलते हैं। तो गाइस जैसे मैं अभी आ चुका हूँ सिटी बस स्टैंड एंड मेरे को 220 बस पकड़ना है, जैसे मतलब उधर सर ने बताया। एंड आई थिंक कहाँ पे मिलेगी मेरे को नहीं पता, 220 अरे यार कहाँ पे मिलेगी देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, बट इस तरफ ही कहीं ना कहीं मिल जाएगी। लास्ट में है जैसे गाइस मैं अभी बैठ चुका हूँ बस में, इधर से 30 किलोमीटर की दूरी पे। एंड भैया लोगों ने मेरे को सीट वगैरह दे दिया एंड मेरा बैग है उस तरफ। आई थिंक 1 घंटे मतलब आधे घंटे में ही, नहीं तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। एंड लास्ट स्टॉप आधे हलवा लास्ट स्टॉप वही है, तो मतलब मेरे को भी पता चल जाएगा आज है तो। एंड चलते हैं हमारे दोस्त के घर। तो गाइस जैसे मैं अभी पहुंच चुका हूँ हुलोली बस स्टैंड पे एंड ये देखो हुलोली बस स्टैंड। जैसे अभी मेरा फ्रेंड है मतलब हमारे कॉलेज का ही, वो मैसूर में ही रहता है इधर हुलोली गांव में, सो अभी लेने के लिए आ रहा है, तो देखते हैं आई थिंक जल्दी आ जाए क्योंकि बारिश, ये देखो बारिश भी आने वाली है। सो फटाफट से इधर से निकलना है तो मेरे को दोस्त आना पड़ेगा जल्दी, देखते हैं अभी आएगा तो। चलो गाइस अभी मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ, हाँ इसका नाम है अभी अभिषेक गौरी एंड अभी इनके घर चलते हैं। जैसे मैं मैसूर में उधर ही रुकने वाला था पैलेस के पास, बट जैसे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया तो इसी वजह से इनके घर आना पड़ा मेरे को, तो वो सब मैं कल बताऊँगा क्या क्या हुआ। तो अभी फटाफट से चलते हैं इनके घर एंड अभी एक दिन स्टे करके कल निकल जाएंगे, तो चलो अभी चलते हैं।